हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर। दोस्तों, आज हम आपके साथ में एक ऐसे न्यूमेरिकल का डिस्कस करेंगे जो हायर परचेज सिस्टम से न्यूमेरिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसमें क्या होगा कि ब्याज तो हमें निकालना होगा लेकिन ब्याज की दर नहीं दी हुई होगी। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली आ जाते हैं कि ब्याज भी दिया हुआ है और ब्याज की दर दी हुई नहीं हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पहले का एनालिसिस टेबल बनेगी, एनालिसिस टेबल में थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगा। क्या चेंजिंग आ जाएगा, पहले आ जाएगा डेट ऑफ पेमेंट, यहां पर डेट ऑफ पेमेंट या इंस्टॉलमेंट समझ लेंगे, दूसरा अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट समझ लेंगे, तीसरी चीज जो हमें रेट नहीं दिया हुआ है, इंटरेस्ट पता है लेकिन इंटरेस्ट की दर नहीं पता है, तो क्या करेंगे हम यहां पर रेशियो दे देंगे। रेशियो क्या चीज होता है, एक प्रकार से हम नंबरिंग कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन बिल्कुल वैसे ही होगा, प्रिंसिपल अमाउंट वैसे ही होगा, बैलेंस ऑफ कैश प्राइस वैसे ही होगा, जब क्या होगा किस्तों में ब्याज तो शामिल हो लेकिन ब्याज की दर ना दी गई हो तो हम क्या करेंगे, इनवर्स रेशो मेथड प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये रूल लागू होता है इनवर्स रेशो मेथड के नाम से, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं और समझते हैं। जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश में पढ़ लेंगे और जो हिंदी वाले हैं उनके लिए मैं पढ़ रहा हूं। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक मशीन का नकद मूल्य 22,500 रुपये, 1 जनवरी 2018 को संजीव ने यह मशीन किराए क्रय पद्धति पर खरीदी जिसका भुगतान उसे इस प्रकार करना है, 5,000 रुपये तो तुरंत जमा करने हैं तथा 5,000 रुपये की 4 वार्षिक किस्तें देनी है, प्रत्येक किस्त में सम्मिलित नकद मूल्य व ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। भैया देखो, नकद मूल और ब्याज की राशि आपको ज्ञात करनी है, ठीक है, और यहीं से फिर अकाउंट भी बनाने हैं। तो आपको मैं बता दूं, देखो यहाँ रफ के लिए लिख लिया है डेट ऑफ एग्रीमेंट 1 जनवरी 2018 है। अगर हम इसको खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो 5,000 तो हमें नकद देने हो रहे हैं और 5,000 रुपये की 4 किस्तें यानी 25,000 रुपये हमें टोटल पे करना हो रहा, लेकिन इसी मशीन को जब हम नकद खरीदते तो 22,500 मिल जाती। भाई हम खरीद रहे हैं 25,000 में, ठीक है, नगद खरीदते तो 22,500 में मिल जाती, इसका मतलब हमें क्या देना हो रहा है, इंटरेस्ट देना हो रहा है, कितना 2500, लेकिन इंटरेस्ट की दर है ही नहीं। तो बच्चे चक्कर काट जाते हैं कि ये सॉल्व कैसे होगा, मैं आपको बता दूं। अब देखिए बहुत सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा है 1 जनवरी 2018, आप भी लिख दीजिएगा 1 जनवरी 2018, और जितना भी पेमेंट है वो सब क्या है, वार्षिक में है, ठीक है। तो यहाँ पर 31, 12, 18, 31, 12, 19, 31, 12, 20 और 31, 12, 21, ठीक। यहाँ पर क्या है कि 1 जनवरी का प्रयोग किया गया है तो हम भी 1 जनवरी के बेस पे ही डाल देंगे, और हर बार में कितना दिया गया है, 5,000, यहाँ पर भी 5,000, यहाँ पर भी 5,000, यहाँ पर भी 5,000, और यहाँ पर भी कितना दिया है, 5,000 दिया है। अब इतना तो समझ में आपके आ गया होगा, ठीक है। अब क्या करना है, रेशो देना है। रेशो का मतलब होता है ब्याज का रेशो। देखो आपको मैं बता दूं कि इससे पहले के जो क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे, जो डाउन पेमेंट होता है उस पर कोई ब्याज नहीं होता है, कैसा होता है, नील होता है, ठीक, क्योंकि आज ही खरीद रहे हैं, आज ही पेमेंट कर रहे हैं, आज ही डाउन पेमेंट दे रहे हैं, तो उसमें कोई ब्याज शामिल नहीं होता है। लेकिन पहली किस्त में सबसे ज़्यादा ब्याज होता है क्योंकि यहाँ नीचे तक का पैसा होता है। और मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूँ, किस्तें गिन लिया करो, 1, 2, 3, 4, तो नंबर डाल दो 4, 3, 2, 1, यानी बाद वाली में सबसे कम और ऊपर वाली में सबसे ज़्यादा ब्याज होता है, इसलिए ऊपर से नीचे के लिए क्रम से नंबर डालते चलेंगे। कैसी कंडीशन में, जब किस्तें ही समान हों, ठीक है, जब किस्तें समान हों और उनके अंतर भी समान हों, ऐसी कंडीशन में 4, 3, 2, 1, 5 होती हैं तो 5, 4, 3, 2, 1, अगर 3 होती हैं तो 3, 2, 1, इस तरह से डाल लेंगे, ठीक। डालने के बाद में इनका कर लेंगे क्या, टोटल 4, 3, 7, 2, 9, 1 कितना होता है, 10 होता है, बस समझ लो ब्याज निकलना शुरू हो जाएगा। देखो पहले 5,000 रुपये लेकर के जा रहे हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं सब, हाँ ये खरीदते कितने में, 22,500 में, यहाँ लिख लो प्रिंसिपल अमाउंट में 22,500 में, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। जो लोग शुरू से देख रहे हैं तो और क्वेश्चनों को सॉल्व किए हैं तो वो समझ गए होंगे, अब इसमें बस क्या होगा, 5,000 लेकर के गए भाई, 5,000 रुपये तो हमारे यहाँ पर जमा हो गए, तो यहाँ पर 17,500 जमा करने को रह गया है। लेकिन जब ये 5,000 लेकर के गए तो ब्याज कितना था, टोटल 2500 अपॉन ये वाले 4 ऊपर कर लो, नीचे ये 10 कर लो, ये वाला जो टोटल है 10 का वो नीचे आ गया और ये वाले जो 4 शामिल हैं वो यहाँ पर आ गए, इससे ये काटा, 250 चौका होते 1,000,
5000 जो रुपए दे रहे हो इसका मतलब है, सॉरी यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट रह गया लिखने के लिए, यहाँ पर 5000 रुपए जो दे रहे हैं 1000 ब्याज के हैं, तो यहाँ पर 4000 रुपए हमारे कौन से हैं, प्रिंसिपल अमाउंट हैं। भैया 17000 में से 4000 हमारे और जमा हो गए, 4000 को और लेस कर दीजिए तो यहाँ पर 13500 रह गए। अब जब ये वाली किस्त लेके गए हम तो ब्याज टोटल 2500 था, इसका हिस्सा कितना है 3/10 जीरो से जीरो, यहाँ पर 750 आ जाएगा, तो यहाँ पर 4250 रुपए हमारा मूलधन हो गया। 5000 लेके जा रहे हो, 750 रुपए उसमें ब्याज के हैं, तो मेन अमाउंट कितना हो गया 4250, आप जमा कर दीजिएगा 4250 फिर से जमा हो गया। यहाँ बचा देखिए 250 और यहाँ कितना बचेगा 9250, अब भी उनका पैसा देने को रह गया। जब ये वाले 5000 लेकर के जाओगे तो कितना होगा 2500 × 2/10 जीरो से जीरो, ढाई दूना कितना होता है 500, इसका मतलब है कि यहाँ पर 4500 रुपये आपका मेन अमाउंट जमा हुआ। ठीक है, 4500 रुपये जब जमा हुआ तो यहाँ पर ये रह गए कितने 4750। ठीक, जब बाद वाला होता है तो हम आपको बताएं कुछ नहीं करना होता, ऐसे भी कर सकते हो 2500 × 1/10 जीरो से जीरो, इंटरेस्ट कितना आया 250, 5000 में से 250 इंटरेस्ट है तो यहाँ कितना बचेगा 4750, और लास्ट में है भी कितने 4750, हिसाब किताब हमारा पूरा हो गया। इंटरेस्ट कितना है इसको जोड़ के देख लोगे, अगर ये 2500 टोटल आ रहा है इसका मतलब है ये किया हुआ सही है, 10 और 5 15 और 7 22 2250 और 250 कितना होता है पूरा 2500 होता है। तो ये एक एनालिसिस टेबल थी जिसको बनाना बहुत ही आसान है, और जब ब्याज की दर ना दी गई हो तो आप फिर से समझेंगे डेटे डाल लो, डाउन पेमेंट से कोई मतलब नहीं, सीधा वहाँ से घटा दो, किस्तें हैं उनको उल्टा करके 4 3 2 1 इस तरह से डाल दो, 5 हैं तो 5 4 3 2 1 करके डाल दो और इन्हीं का कर लो टोटल। क्यों कर लो टोटल, क्योंकि पहली किस्त में 4 गुना ब्याज होगा, इस वाले में 3 गुना होगा, इस वाले में 2 गुना होगा, क्यों होगा, क्योंकि जितना पेमेंट करते जाएंगे उतना ही ब्याज कम होता हुआ चला जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, सिंपल है, इजी है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, इनके अकाउंट बनाना है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगले जो क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 5 उसमें सारे अकाउंट हम बनाना सिखाएंगे, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।